सोया नगेट्स को अच्छे से वॉश करके मैंने इस बर्तन में ऐड कर दिया है। इसी में मैंने पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ बोल मैंने पानी का ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो नगेट्स हैं उनमें सॉल्ट ऐड हो जाए। इनको कर लेंगे हम अच्छे से बॉयल। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है। ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं, देखिए अच्छे से पफ अप हो गए हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और यही हमें चाहिए। हमें इन्हें अच्छे से पफ अप करना है, हमें जस्ट इनको सोक करके रखना नहीं है, उससे ये अच्छे नहीं फूलेंगे। तो ऐसे ही ये फूलेंगे, बॉईल करना है इनको और फिर इनको रख देना है। 10 मिनट के लिए बॉईल करें एंड देन बाकी की रेसिपी हम करते हैं प्रिपेयर। सारे नगेट्स को मैं हाथों से ऐसे ही स्क्वीज कर लूँगी, एकदम से निचोड़ लूँगी अच्छे से सारे नगेट्स को, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। ऐसे ही सारे नगेट्स को मैंने स्क्वीज करके तैयार कर लिया है। अब इसमें बारी है ऐड करने की बेसन। 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन ऐड कर दिया, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा या फिर अरारोट भी आप ले सकते हो, कॉर्नफ्लावर, मैदा का यूज़ भी कर सकते हो बेसन की जगह पे। अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पे नमक, हाफ आधा चम्मच, जो चम्मच रेगुलर चम्मच होता है उस पर ही यूज़ किया मैंने। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, हल्दी, आप चाहें तो इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ताकि अच्छे से जो सारा मसाला है वो इन नगेट्स में, सोयाबीन के नगेट्स में, बड़ियों में कोट हो जाए अच्छे से। थोड़ी सी मैं ऐड करूंगी सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करूंगी, 2 चम्मच टोमेटो सॉस। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, क्योंकि नगेट्स के अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो उसी चीज़ों से सारी चीज़ें, उसी पानी से सारी चीज़ें जो हैं वो कोट हो जाएंगी। देखिए ये मसाला सा अच्छे से कोट हो चुका है बहुत। तो अब बारी है इसको शैलो फ्राई करने की। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इस कढ़ाई में ऑयल ले लिया है फ्राई, शैलो फ्राई के लिए। यहाँ 1 by 1 हम थोड़े थोड़े करके ये जो नगेट्स हैं बढ़िया इनको हम ऐड कर देंगे। ये मैंने सारे नगेट्स ऐड नहीं किए हैं, मैं 2 बारी में इनको करूँगी, फ्राई करूँगी, ठीक है। और इनको करते हैं हम फ्राई। शैलो फ्राई करना है हमें, डीप फ्राई नहीं करना है। होने देते हैं इनको फ्राई। बेसन अच्छे से पक जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए ये तकरीबन हो चुका है, इनको निकाल लेते हैं हम इस प्लेट में। ये हो चुके हैं तकरीबन, फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बाकी बचे नगेट्स को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इनको हम वैसे ही शैलो फ्राई करके अच्छे से भून लेंगे, ताकि बेसन जो है वो पक जाए। और इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये तकरीबन ऑलमोस्ट पक चुका है, फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ और इसको भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। एक पैन में मैंने
ऑयल ले लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये गार्लिक। भुनने देंगे हम इसे अच्छे से ताकि लहसुन का सारा फ्लेवर इस ऑयल में आ जाए। लहसुन अच्छे से भुन चुका है, इसको हम साइड पे कर देंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे एक बोल मैंने प्याज का लिया है। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम, शिमला मिर्च या कुछ और कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ प्याज को ऐड किया है। अच्छे से इसको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे, सिर्फ इसका कच्चापन हमें रिमूव करना है, पिंक कलर कर लेना है बस। प्याज भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ग्रीन सॉस। लगभग 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ऐड की है। साथ ही में ऐड करूँगी मैं 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप ऐड कर सकते हो आप। टोमेटो सॉस हमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी इसमें, तभी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, आधे से भी आधा चम्मच में सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। आधा छोटा चम्मच मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हो। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और इन चीज़ों को हम सारी को पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। वो क्वांटिटी के हिसाब से पकाइएगा, जस्ट 1 या 1.5 मिनट तक इसे हम कुक कर लेते हैं। ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ तो मैं इसमें सिर्फ नगेट्स को ऐड कर दूँगी। ये मैंने नगेट्स को इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपको ग्रेवी मंचूरियन बनाना है तो आप कॉर्नफ्लोर को ठंडे पानी के अंदर डाल के थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हो। और अगर आपको मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे वेज मंचूरियन की रेसिपी है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया रेडी हमारा मंचूरियन। मैंने इसको गार्निश किया है सम कोरिएंडर लीव्स जो मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में सुना भी होगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, इसका कोई भी आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और ये रेसिपी जो है आपको इसे किसी भी मील के स्टार्टर के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर स्पेशली किड्स की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी, तो उसमें आप इसे सर्व कीजिए तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। रियली ये बहुत ही डिलीशियस है। तो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड एन्जॉय।